हरे कृष्णा लेडीज एंड जेंटलमैन। तो काफ़ी दिनों बाद मैं कुछ ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे मैं जैसा वीडियो आज बना रहा हूँ ऐसा मैंने कभी बनाया नहीं, लेकिन बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ अभी बताऊँगा। मैंने आज आकाश प्रभु का एक यूट्यूब पे वीडियो आया था, मैंने वो देखा और उसमें एक शख्स को देखा, मैंने देख के मतलब दंग रह गया। मैंने कहा यार ये कर क्या रहा है और बता क्या रहा है। पहले आप वीडियो देख लो फिर मैं बताता हूँ, ताकि आपको अच्छे से पता चले और मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। भाई जो भी यात्री केदारनाथ आ रहे हैं, लेकिन ये खच्चर करके बिल्कुल मत आओ। एक तो पैदल आओ, नहीं तो हेलीकॉप्टर बुक करके आओ, लेकिन ये खच्चर पे बिल्कुल मत आओ। भाई देखो जहाँ जहाँ दिखोगे आप मरे पड़े दिखेंगे, इनको कोई खच्चर वालों को चिंता नहीं है, मरे या जिए इनसे बस पैसे से मतलब है। पैसा आ गया पैसा वसूल हो गया, मरे या जिए कोई मतलब नहीं। दिन रात पांच पांच हेल्पाटे करते भाई, एक हेल्पाटे में पूरा थकान हो जाता है, तो बिल्कुल खच्चर से मत आओ भाई। और ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सबको पता चले। हर हर महादेव। तो ये वहां से है जो कि केदारनाथ गए थे, इनका नाम है गणेश मूले करके नाम है। ये केदारनाथ गए थे, वहाँ पे जो घोड़े खच्चर होते हैं ना वो इंजर्ड हो जाते हैं सामान लाद के जाने में या यात्री को श्रद्धालु को ऊपर ले जाने में, इससे उनका कहीं पैर फ्रैक्चर हो जाता है, चोट लग जाती है। नो डाउट हमें घोड़े खच्चर पे बैठ के नहीं जाना चाहिए अगर हम यंग हैं। हम घोड़े खच्चर पे वही बैठ के जाते हैं जो चल नहीं पाते और उनके अंदर श्रद्धा होती है केदारनाथ जाने की, उनके लिए घोड़े खच्चर, हम जवान के लिए नहीं है। जैसा मैं भी केदारनाथ गया था, मैं भी उस वीडियो में ये चीज़ बताया था कि अगर आप यंग हैं तो ठीक है, तो आप घोड़े खच्चर से न जाएं, थोड़ा सा संघर्ष करिए, आशीर्वाद आपको मिलेगा भगवान से, उसको पाने का ना थोड़ा सा स्ट्रगल करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, उसका फल बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने उस वीडियो में बताया कि आप ऐसे जाए। तो ये वहाँ से कह रहे हैं कि है ना घोड़े खच्चर से मत आइए, देखिए कितना चलाते हैं वो, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, इस पे मत बैठ के आओ, मत जाओ, इनको केवल पैसे के पड़े हैं, ये जानवर रुकने देख रहे हैं। और इनकी अब वीडियो देखिए मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर आप बताइए। तो आज का स्पेशल दो भाई 6 kg का फुल गॉट यानी बकरा, चलो इसको टेस्ट करते हैं। आज का स्पेशल देखिए रो फिश मसाला, चलो इसको टेस्ट करते हैं। इधर है भाई चिकन चिल्ली, चिकन तंदूरी, चलो इसको टेस्ट करते हैं। हाँ तो देखा ये भाई साहब एक तरफ तो बता रहे हैं घोड़े खच्चर की जान जा रही है, उस पर मत बैठो, ये लोग पैसे कमाने के लिए चीज़ कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, मतलब हद है, इतना ज्ञानी बाबा बन रहे हैं, कसम से बता रहा हूँ, कहीं ऐसे दिख जाए तो लतिया के मारूं ऊपर से, ऐसे चमन छूते इंसान को, ये ज्ञान बांट रहे हैं कुछ। एक्चुअली में क्या है, आजकल क्या ट्रेंड चल गया, हम केदारनाथ जाएंगे थोड़ा सा सुकून मिलेगा, रील्स बनाएंगे फोटो खींचेंगे, यही बस यही हमें भगवान से नहीं मतलब, भगवान ने ऐसी उपराण में क्या क्या बोला, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, हमें तो उधर जाने का है, हमें हमको सुकून पाना है, हमको वीडियो फोटो ये सब बनाना है, सोशल मीडिया पे डालना है, थोड़ा पब्लिक अट्रैक्शन पाना है बस, और कुछ नहीं। तो ये भी वहाँ से वही करने कहते हैं। और हाँ यहाँ तक नहीं, और देख लीजिए वीडियो में क्या कर रहे हैं। आज का स्पेशल देखो बर्फ में रखी हुई ठंडी कैडबरी, तो यहाँ ये क्या किए हैं, ये बर्फ में चॉकलेट वगैरह को ऐसे घुसा के फिर उसको खा रहे हैं। तो ये देखिए चॉकलेट खा रहा हूँ, मतलब खा भी रहा तो कैसे खा रहा है यार, जैसे जानवर को ही खा रहा है। खैर जानवर तो वही है, इंसान में गिनती ही नहीं आती, ऐसे लोग भी जानवर में गिनती आती है। और तो चलो ठीक है, इन्होंने ज्ञान इतना फेल दिया, ठीक है कोई बात नहीं, आप जो वीडियो मैं दिखाऊंगा उसको देखो, क्योंकि जब आकाश प्रभु ने इनके ऊपर वीडियो बनाया तो मैंने इनका पेज खोला और मैं देखा कि क्या क्या ये कर रहे हैं। तो उस वीडियो में एक वीडियो में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, पहले आप वीडियो देख लो फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। तो आज मैं देखो हरिद्वार में हूँ, गंगा नदी में खा रहा हूँ भाई चना मसाला। तो देखा ये वहां से गंगा जी में बैठ के क्या कर रहे हैं, चने खा रहे, चने का मजे ले रहे हैं। हम गंगा जी में जब हम किसी ऐसे पवित्र नदी में जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम आचमनी करते हैं ना, हम आचमनी करते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर उसके बाद स्नान करते हैं, क्योंकि वो पवित्र नदी है, हम उसके अंदर कुछ गलत हरकतें नहीं कर सकते, गलत चीज़ें नहीं कर सकते, खाने का तो छोड़ दो कुछ भी नहीं कर सकते उसके अंदर, केवल स्नान कर रहे और अपने अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए हम उसमें स्नान कर रहे हैं। ये वहाँ से क्या कर रहे हैं, गंगा जी के अंदर बैठ के चने के मजा ले रहे हैं। भाई साहब ये हमारे अयोध्या में दिख जाए ऐसा नाते हो तो मैं मेरे सामने जैसे पटक के मारूंगा पहले तो, और तो और जाने दो, मतलब इतनी वीडियोज़ पड़ी है। और जो इन्होंने वीडियो बनाई है वो खच्चर वाली, उस पर मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कितने लोग इतना कमेंट किए हैं कि पहले तू नॉनवेज छोड़ फिर ये ज्ञान की बातें कर ऐसा वैसा, आप देख सकते हैं कितने लोगों ने इनको मैसेज किया। तो मतलब ऐसे इंसान को मैं चाहता हूँ कि फॉलो आप बिल्कुल ना करें, मतलब 2 rupees का इंसान है यार, 2 crore का आदमी है, ऐसी वीडियोज़ बना रहा है लोगों को, बस कुछ नहीं फॉलोवर्स के लिए बना रहा है और कुछ नहीं, इनको भगवान देवता ये सब इससे कुछ मतलब नहीं, इनको फॉलोवर्स केवल चिकन खाना है ना, मछली खाना है, अंडे खाना है, यही सब खा के इनको दिखाना है और फैन फॉलोइंग बटोरनी है और कुछ नहीं। तो अगर ऐसे लोगों को आप फॉलो करते हैं तो कुछ नहीं करो, रिपोर्ट मारो, ब्लॉक करो, सीधा रिपोर्ट मार के ब्लॉक करो,
और आप भी चार लोगों से बताओ, जैसे आप चार लोगों को शेयर करते हो ना अच्छी वीडियोस, वैसे ऐसे चार लोगों को बताओ कि भैया इसकी जाके वीडियोस रिपोर्ट मारो, वीडियोस पे इसके ब्लॉग करो, ताकि ऐसे लोग अपने सनातन धर्म को ज़्यादा बदनाम ना कर सकें। ऐसे नॉनवेज खाएंगे और मंदिर पे जाएंगे तो थोड़ा सा है ना गलत इसका प्रभाव पड़ेगा हमारे आगे फ्यूचर में, तो ऐसे लोगों को रिपोर्ट जाके मारें। मेरा ही कहना है, हरे कृष्ण।